टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ नौरीन। सलामकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल अच्छा। शेफ नौरीन, आज मैं अजीब सा मूड हुआ हुआ था सुबह, आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है आजकल? आपको इस बात का तो इल्म होगा ही, कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती है तो ऑफ कोर्स जितने भी सेन लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको एक होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। सही, exactly. और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, चाहे वो पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, अगर इंसानों की कदर नहीं की जाती, उनकी जानों को बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी ली जाती हैं कि जैसे वो नॉन एग्जिस्टेंट हो, इस बात की मजम्मत करनी चाहिए। और हम एज पाकिस्तानी भी इस बात की मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो इस वक्त वॉर हो रही है, इट्स अ टेरेबल वॉर। और जिस तरह की डिस्ट्रेसिंग और डिस्ट्रक्शन की वीडियोस रोज़ाना अपलोड हो रही हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लोगों के जहनों पे असर है। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो एक अच्छी बात है कि वो शुरू में एक डिस्क्लेमर लगाते हैं कि ये एक डिस्ट्रेसिंग वीडियो है। Exactly, हाँ। उसमें बच्चे, बूढ़े, उनके घर जिस तरह तबाह किए जा रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। और एक दिल बहुत टूटता है देख के कि क्या हम किस दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए 2023 आप मुझे लगता है कि आपको पता नहीं, जिस तरह एक साइकिल होता है जिंदगी का, आप जहाँ से शुरू करते हैं आप वहीं पे आते हैं, एक वहीं से आप दोबारा गुजरते हो, फिर एक नया साइकिल शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये फिर वो वक्त आ गया कि हमें जानवरों से थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, कसम, क्योंकि हम वहीं से हमारी इंसान की शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगता है कि हमें जानवरों से थोड़ा डिसिप्लिन भी सीखना चाहिए। आपको पता है जानवर बड़े डिसिप्लिन होते, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। मेरे पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ऐसे इतने डिसिप्लिन है कि ह्यूमंस तो क्या ही होंगे। अच्छा, आपने अपनी कैट से क्या सीखा? कैट ने मुझसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दोनों आपस में सीखते सिखाते हैं, तो दोनों मिलके सीखेंगे तो अच्छे ही सीखेंगे। वो रिस्पॉन्ड करती है आपकी बातों पे? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर आप बुलाएं तो वो आ जाती है? फौरन आ जाती है। एंड बिल्कुल साफ सुथरी है, एंड बिल्कुल लाइक हेल्दी फूड उसका भी होता है, एंड लाइक पॉटी ट्रेन्ड है, मतलब बिल्कुल इस तरह के असर, बिल्कुल इंसानों की तरह। हाँ, इंसानों की तरह, इंसान भी इतने नहीं होते जितने एनिमल्स होते। देखिए, मुझे भी लगता है अगर आप एनिमल्स को ट्रेन कर दे तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन होता है। और हमें भी आजकल, अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन हो, किसी भी शख्स की जिंदगी में अगर डिसिप्लिन हो, तो वो कामयाबी के दरवाजे ज़रूर उसके लिए खुल जाते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक और बहुत ही ज़बरदस्त छोटी सी बच्ची से कराने वाले हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। हमारे साथ हैं नवाल अली, इट्स आर्ट फ्यूजन से। सलाम नवाल, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? जी जी, ठीक ठाक है। नवाल, कब से पेंट कर रही हैं? ये मैंने कैनवस पेंटिंग 2017 से स्टार्ट की है, लेकिन शौक मुझे हमेशा से था। अच्छा, 2017 से? जी। और शुरू करने की क्या वजह? शुरू क्योंकि आगे मुझे इंशाल्लाह इसको करियर बनाना है, आगे मेरे डिजाइनिंग में ही है, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कैनवस पेंटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। फिर तो को आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, कहीं से सीखा आपने? नहीं, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। सेल्फ टॉट है जी। अब किस आर्टिस्ट का काम आपको ज्यादा पसंद है? मुझे अगर ज्यादा पहले जाकर पिकासो, पिकासो का पसंद, और फिर बाकी यूट्यूब पर चैनल्स जो हैं वो पर मैं देखती रहती हूँ। और पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट का काम आपने देखा है जो आपको? सात कैन। सात कैन जी, व्यूज अमेजिंग। थैंक यू। सात कैन का सबसे खूबसूरत काम आपको पता है, फ्रेयर हॉल की जो सीलिंग है उस पर वो उन्होंने पूरी पेंट की हुई है, और वो कहीं कहीं से थोड़ी अधूरी भी रह गई थी, पर इट्स अ मास्टरपीस। पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। आप जाती हैं आर्ट एग्जीबिशंस में? मैं काफ़ी पहले गई थी, 2018 में एक दफ़ा गई थी, एग्जीबिशन हुआ था और वहाँ पर सेल भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा।
अभी इंशाल्लाह 4 नवंबर को भी एक एग्जीबिशन होगा जो एलिगेंट इवेंट प्लानर्स ने करवाया है, आप लोग ज़रूर आइएगा, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इंशाल्लाह। अच्छा मैं देख रहा हूँ आप बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पेंट करती हैं। जी मैं ज़्यादातर सीनरीज या फिर कैलीग्राफी यूज़ कर कैलीग्राफी या सीनरीज जी। आप कोई इंस्पिरेशन लेती हैं? इंस्पिरेशन शुरू में लेनी पड़ी थी। बहुत सारे मैं इस तरह के आर्टिस्ट को जानता हूँ जो सेल्फ टॉट होते हैं, वो ना यूट्यूब से पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं और फिर देन दे पेंट पेंटेड वो देख के उसको पेंट कर रहे होते हैं, रियल लाइफ पिक्चर्स जो होती हैं उनको फिर पेंट करते हैं। जी लेकिन मैं ज़्यादातर पिंटरेस्ट वगैरह से देख लेती हूँ ताकि थोड़े से एक आपको जैसे ये वाली है, ये मैंने एक पिंटरेस्ट पर एक देखी थी तो मैंने सोचा इसको करके देखूँ क्या पता मुझसे बन जाए। शुरू में लग रहा था नहीं होगा लेकिन एक पेशेंस चाहिए होता है सबके लिए, थोड़ा थोड़ा करके। कितनी देर? इट्स ब्यूटीफुल। कितनी देर लगी होगी आपको बताना? इसको एक दिन लगा था। एक दिन लगता है जी। इसके साथ साथ और क्या कर रही है नवाला जी? और क्या क्या कर रही है? पढ़ रही है? मैं सेकंड ईयर में हूं करंटली। सेकंड ईयर में जी। और मास्टर्स इसी में करने का इरादा है इंशाल्लाह। वेरी नाइस भाई, तालियां होनी चाहिए नवाल के लिए। क्या बात है नवाल, एक बात और बताएं, जब आपने ये काम शुरू किया, अब आप प्रोफेशनली इसको कर रही हैं और ऑनलाइन ही कर रही हैं जी जी, घर वालों का क्या रद्द अमल रहा आपको देख के? वही पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए बस, हमने सबने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला जिसमें तुम्हें शौक है तुम वही करो, तो अभी इंशाल्लाह उन्होंने वही बोला है कि सेकेंड ईयर के बाद आर्ट्स ही लेना तुम। अच्छा, क्योंकि जब आपका दिल होता है वहाँ पे आप ज़्यादा पैशन से करते हैं ना, उस पर शौक होता है, वरना कुछ पेरेंट्स नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, उनको पेंटर बनना है, उनको ये बनना है, ये वाली बात होती है। आप माँ पे मुसल्लत तो नहीं करती कि क्या करना है? बताएं कि तुम एक शेफ के बेटे हो, तुम्हें शेफ बनना है, बताएं, ये तो हमें उससे ही पूछना पड़ेगा। शेफ सही बताए वाकई में? आपने उसको अभी से बता दी कि शेफ बने, वो खुद कहता है? कौन? आपका बेटा? मेरा बेटा? तो मेरा बेटा खुद किचन में मेरी हेल्प करता है, वो भी शेफ ही बनेगा। अच्छा। वो भी शेफ ही बनेगा या फिर पायलट, दोनों चीजें। कह रहा मामा साइड बिजनेस शेफ का, एंड वैसे आई एम गोना बी अ पायलट। ओह क्या बात है, क्या बात है, देखिए माशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताए नवाल, किसी फेमस पेंटर की कोई पेंटिंग आपने रेप्लिकेट की, के जिस तरह बहुत वैन गॉग की इतनी मशहूर पेंटिंग्स हैं? जी जी। आपने कोई फेमस तो नहीं, लेकिन मैंने बिल्कुल शुरू में जैसे यूट्यूब से सीखा था तो मैं वो शुरू में करती थी। अच्छा, नहीं क्योंकि जितने भी नए आर्टिस्ट होते हैं ना जी, वो जी, किसी मशहूर पेंटिंग को दोबारा बनाते हैं जी दिखाने के लिए, उनकी स्किल्स, क्योंकि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, तो शुरू में मैं यूट्यूब से सीखती थी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह करना होता है, तो उस तरह अब आके इस तरह हुई है। और ये वाटर कलर्स है सारे? एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट जी। और क्या क्या प्राइसिंग क्या की हुई आपने? ये कैनवस के हिसाब से होती है, जैसे 12x12 इंच का कैनवस है तो इसके मैंने 1500 लगाए हैं। 1500 जी। और फिर 14x14 का 3000 का होगा, और जो मेरा सबसे बड़ा कैनवस है वो 24x48 इंच का है, वो अभी करंटली मैं लाई नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन वो ऑलमोस्ट 7000 का पड़ रहा है। ओके, और उसमें कितना टाइम लगता है उसको बनाने में? उसको 4 मंथ्स लगे थे। 4 मंथ्स में मुकम्मल होता जी, है? जी, उसमें अस्माउल था, अस्माउल हुस्ना मैंने लिखे थे। हाँ। और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि टाइम भी ऐसा था, रमज़ान का वक्त था, फिर एग्जाम्स का भी टाइम था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये कैलीग्राफी तो जल्दी हो जाती है? आई बिलीव कैलीग्राफी जल्दी हो जाती है ना जी जी। और अच्छा, अगर आपको लोग ऑर्डर्स देते हैं तो वो अपनी पसंद की चीज़ भी आपसे बनवा सकते हैं? जी, लेकिन बस मैं फेस पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती। फेस पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती? नहीं बनाती? नहीं। उसकी क्या वजह है? इस्लाम में मना, इसलिए मैं नहीं बनाती। अच्छा, आप रिलीजियस रीजन की वजह से आप फेस पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती? जबरदस्त भाई, आपकी चॉइस है, बिल्कुल सही है। और नवाल, आपका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। नवाल बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं, चेहरे ये नहीं बनाती, लेकिन अगर आप कुछ और इनसे पेंट करवाना चाहते हैं तो आप वो डेफिनेटली नवाल से रब्ता कर सकते हैं, या आप उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स या कैलीग्राफी को आप खरीद के अपने घर में भी लगा सकते हैं। वक्त हो जाता है बहुत छोटे से ब्रेक का, नवाल थैंक यू वेरी मच, लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे फिटनेस सेगमेंट में, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुबरा अनस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं फिटनेस ट्रेनर, मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इजी टू फॉलो होम वर्कआउट्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जिम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ख़वातीन ख़ास तौर पे घर से निकलने के लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, उन लोगों के लिए बहुत बर्डन होता है, तो मैं वो वर्कआउट्स लाई हूँ जो आप कहीं भी अपने घर में ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्कआउट मैं आपको बताऊँगी, टमी का वर्कआउट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो है टमी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एब्डोमिनल वर्कआउट से। चलिए जी, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बेसिक क्रंचेस।
इसमें आपने ब्रीदिंग का बहुत ख्याल रखना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, हमेशा सांस को आपने बाहर खींचना है, इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्कआउट है स्लाइटली हील टच, साइड टू साइड हमारी हील टच है, बहुत आराम आराम से करना है, तेजी से नहीं करना है। मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग, ब्रीथ करना मस्ट है, कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट वर्कआउट है क्रॉस एल्बो टच, आपने अपने नी पे एल्बो को टच करना है क्रॉस में। मेक श्योर यू हैव टू लिफ्ट योर होल बॉडी, यानी अपर बॉडी आपने अपनी पूरी उठानी है। साइड चेंज करेंगे, now next one is full sit up, ओके जी। अब हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में, आप लोगों ने पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखना है, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने वर्कआउट्स को कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपने पोस्चर्स का करेक्ट ख्याल रखना है, बिल्कुल पोस्चर्स करेक्ट होना बहुत मस्ट है। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबर, इसका मॉडिफाइड वर्जन है ये, जिनसे रनिंग नहीं हो सके, ठीक है, और ओरिजिनल ये है, तो अगर आपसे ये ना हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, अप टू योर स्टेमिना। करेंगे प्लैंक होल्ड, ट्वेंटी सेकेंड होल्ड करना है, एब्डोमिनल वर्कआउट, हमें इसके दो राउंड और करने हैं, अब हम इसको रिपीट करेंगे, जब तक आप ले सकते हैं छोटा सा ब्रेक, पानी पी सकते हैं, दो से पानी से ज्यादा आपने नहीं लेना। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं राउंड टू, क्रंचेस से स्टार्ट करते हैं, साइड हील टच अगेन, पोस्चर्स का बहुत ख्याल रखिएगा, ओके
अच्छा अब आप करते हुए फील कर सकते हैं कि आपके एब्डोमिन में ठीक ठाक पेन महसूस हो रहा होगा, तो ये नॉर्मल है। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये पेन हो रहा है तो आप वर्कआउट छोड़ दें, नहीं, पेन होता है और ये मस्ट है। वर्कआउट में मस्कुलर पेन होना नॉर्मल है। अब हम थर्ड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। एल्बो टू नी, क्रॉस एल्बो नी टच। चेंज करने लगे हैं। फुल सेट अप। इसमें आपने अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, आपकी अपर बॉडी पूरी ऊपर आएगी। माउंटेन क्लाइंबर, प्लैंक होल्ड, लास्ट वन। आप चाहें तो अपने सेल फोन में 20 सेकंड्स का टाइमर भी लगा सकते हैं। ये थी हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस एब्डोमिनल वर्कआउट के हवाले से। आप इसको चाहें तो 3 राउंड कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने राउंड्स बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और नौरीन बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। नौरीन इतनी खुश है कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल ना, होगा भी नहीं कोई ठिकाना। लेकिन आज इनकी खुशी के 4 ठिकाने मुझे पता है जो कि यहाँ पे लगे हुए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा नुसरत से। सलाम नुसरत, कैसी हैं? खैरियत से। जितनी खूबसूरत आप हैं उससे ज्यादा खूबसूरत खाने बना के लाएंगे आज। बिल्कुल, वाओ, थैंक यू। इतना खाना मैंने पीछे नुसरत कब किचन विद एनएन। अच्छा, दूसरा एन कौन है? मेरे मियां। ओह, मैं नुसरत, उनका नाम नजम है। नुसरत नजम, एनएन, जबरदस्त। कब से कर रही है नुसरत ये काम? मैं 2013 में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सीखा था बेकरी का कोर्स और मुझे शौक भी था, तो पिथम से मैंने किया था और उसके बाद फिर मैं बेकरीज रन करती थी अपने हस्बैंड के साथ। फैमिली बिजनेस था हमारा माशाल्लाह से, तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए तो कोई घर का मेंबर होना चाहिए ना। और कितनी अच्छी बात है कि फैमिली बिजनेस होने के बावजूद ट्रेनिंग ली, सीखा काम जाके, क्योंकि इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते सीखे बगैर। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सप्लाईज देना शुरू कर दी हॉस्पिटल्स में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेज कैंटीन्स वगैरह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे हूँ, माशाल्लाह, और तकरीबन 4th साल है मेरा यूट्यूब चैनल। भाई नुसरत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। मुझे नुसरत जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि सेल्फ मेड हो। देखें, अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी इन्होंने जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसको रोका नहीं, उसको जारी रखा, सीखी एक चीज़
और मैं आपको बता नहीं सकता वैसे खुशबू कितनी अच्छी है। खुशबू बहुत अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ये सुबह सब अर्ली मॉर्निंग बनाए हमने, कोई चीज रात में 4 बजे उठ गई थी आप, इतनी सारी चीजें बनाई हैं आपने। मैं अकेली नहीं होती, माशाल्लाह से मेरी बेटियां मेरे साथ होती हैं, फैमिली की सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, तो हम लोग मिलके। और सबसे बड़ी चीज असल होती है सपोर्ट, सपोर्ट होगा तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। Exactly. और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो बार बार कहते हैं मैं अकेले सब कुछ अकेले कर लूंगा। आपको पता है एक बात जो मैंने जिंदगी में सीखी है ना नुसरत, एक और एक वाकई 11 होते हैं। Exactly. और हम लोग ना आपको पता है कभी कभी कहते हैं कि पैसा जो होता है ना वो दरार डालने में बड़े काम आता है। जितने जो डुओस शुरू होते हैं ना, दो लोग मिलके साथ कोई काम करते हैं, पैसा आके मैंने उनको अलहदा होते हुए देखा है कभी भी। हमेशा ये बात याद रखें कि जिनके साथ आप लोगों ने कामयाबी का सफर शुरू किया होता है उनको साथ लेके चलते हैं ना, तो कामयाबी भी आपके साथ चलती साथ रहती है। अलग अलहदा होके फिर कामयाबी भी साथ छोड़ देती है। Exactly. अच्छा मुझे बात बताएं, अब जब आप ये खाना वगैरह बना रही होती है, इसका कोई मिनिमम ऑर्डर भी होता है कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा हो 5,000 का 2,000 का? जी ऑर्डर होता है, तो फिर ये है कि हमारे पास वर्कर्स भी होते हैं। अच्छा, तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो आ जाते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है कि हमारा रेसिपी सारी हमारी होती है। अच्छा, तो फिर हम मिलके कर लेते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या बना रही हैं आप? इसके अलावा आप पाकिस्तानी सारे फूड्स बनवा लें आप, एवरीथिंग। सही बताएं। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो खाली मैं ये सेवरीज आइटम लेकर आई हूँ, और बाकी खाने तो आप अभी मैंने सिंगापुरियन राइस बनाए थे, सब्जी बनाई थी, तो ये सारी चीजें हम घर में, और चिकन हांडी और चिकन मखनी। मेरी 129 वीडियोस पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। ओह माय गॉड, 129 वीडियोस। मुझे पता है, मुझे हो रहा है, मैं भी अपना YouTube चैनल बना लेकिन इत्तेफाक है कि एक भी वायरल नहीं हुई। कोई बात नहीं, आज से आपकी वीडियोस वायरल होंगी, आज से हो जाएगी। आपकी वीडियो मैं वायरल करूंगा, आपका खाना खा के बेहोश होऊंगा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर एकदम से उठ के कहूंगा अरे मजाक कर रहा था। वीडियो देखिए वायरल ऐसे होती है। Exactly. लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छी लग रही है। नुसरत मुझे एक बात बताएं, ये बहुत बड़ा काम है जो कि आप हेड कर रही हैं। जी। जब आप थक जाती हैं या थोड़ा सा एक वक्त ऑफ, टाइम ऑफ हर इंसान को चाहिए होता है, तब क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती, मेरी माशाल्लाह से 2 नवासियां हैं। माशाल्लाह, सारा दिन छोटी नवासी मेरे पास होती हैं, बड़ी नवासी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बनाने में मेरी हेल्प करवाई थी। कल वो स्कूल था उनका, तो वो पहले मेरे पास आई कि मैं नानी की हेल्प करूँगी ना, फिर वो रात में गई हैं, तो सब चीज़ों में हर चीज़ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। नानी मैं ये ला दूँ, नानी मैं ये कर दूँ, तो माशाल्लाह से ये है। उसके बाद वो टाइम भी एक आपको खेलकूद का टाइम लगता है और काम भी जाता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी कह दूं मैं, तो उन्होंने वो काम कर, कुछ भी कह दे तो वो कुछ नहीं कहते। अभी वो सामने बैठे क्यों फट्टा कराने वाले। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन देखिए ये जो आप बात करी ये कोई अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान की मतलब मेरे तो दुनिया भर में बेगम कुछ भी कहते हैं, हस्बैंड क्या कर सकते। सही बात है, उनको हाँ ही करनी पड़ेगी, हाँ ही करनी पड़ेगी। मजलूम बना दिया हस्बैंड ने। यही तो, ये देखिए बात तो सच है नुसरत, क्या मतलब आपका। लेकिन नुसरत आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। थैंक यू सो मच। और नुसरत मुझे प्लीज प्राइस रेंज भी बताएं चीजों की, क्या क्या कीमतें होती हैं। अभी तो ये 1 बाइट है सारी चीजें, ये तो खैर 1 बाइट नहीं है, लेकिन ये 1 बाइट है, तो ये ज्यादा ज्यादा अब 12 रुपीज का होगा। एक 12 रुपीज का, ये 15 तक का होगा, तो क्योंकि मैंने कॉस्टिंग नहीं की है तो मैं भी आपको एक्यूरेट रेट नहीं बता सकती। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने मिनिमम मंगाने होते तो आप 1 दर्जन 2 दर्जन किस तरह? एटलीस्ट 2 से 2.5 दर्जन का तो ऑर्डर हो। हाँ, अच्छा। ताकि हम बनाए तो फिर मजा भी आए बनाने में, 2-4 का क्या होगा। हाँ, अच्छा अपना मजा भी इनको चाहिए। सही बात है, ये तो ज्यादा मजा है। इनको भी मजा आना चाहिए। और आपको पता है कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको मजा नहीं आ रहा वो काम करने में, तो दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल ही वो मजा। एक काम होता है खुशी से करने का और एक होता है बेकार टालना, कि यार जल्दी से सर से उतार के फेंकना है हमें ना। काम खुशी से करेंगे तो अच्छा होगा, मजा भी आएगा, और खुशी से बनाएंगे तो अच्छा भी बनेगा। जी, और मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे वहां से अतिया आंखें दिखा रही है कि अब इधर आ जाओ। सालिक बतिया कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। आप ठीक है? मैं बस देखे ठीक ही हूँ, जब यहाँ हूँ अभी तक। क्या हाल है आपके? इतने बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे आज। अतिया क्या जबरदस्त सामान लेकर आई है। शुक्रिया। बस बताएं तो कैसे बनाया, कब शुरू किया, शुक्रिया कह के आपने बात ही खत्म कर दी। एक तो पता ही सारा कसूर नुसरत का है, सबकी नजर इन खानों पर इस वक्त है। या तो ब्रेक लेके पहले हम खाने का ब्रेक कर लें और फिर लोगों से बात करें, जिससे मैं बात कर रहा हूँ सबकी नजर यहाँ जा रही है नुसरत यहाँ पे बढ़ा।
अतिया कैसी हैं? हम खैरियत से हैं, शुक्र है। और 2014 से ये मेरी जर्नी शुरू हुई है और सीखती जा रही थी और काम करती जा रही थी आगे। 2014 में मैंने फैंसी बास्केट से शुरू करा था, जो मुख्तलिफ इवेंट की थी, न्यू बॉर्न वगैरह की बास्केट और शादी की जो भी इवेंट थे उसकी बनाई। उसके बाद फिर मेरा डो का काम मैंने सीखा, डो वर्क का। फिर ज्वेलरी वगैरह अपने शौक से खुद बनाई, ज्वेलरी बनाई और सीखती गई और स्टॉलिंग वगैरह करती गई मुख्तलिफ जगह। और किचन कितने अच्छे बनाए जी, मुझे बताइए कि कितनी देर लगती है एक पीस बनाने में? चीज़ पर बात है, किचन वगैरह फिर जल्दी बन जाती है, जो जैसी चीज़ है वो टाइम ज़्यादा लेता है। ये तकरीबन डेढ़ दिन ले गया। वाह, और ये दिन में दो बन सकते हैं। ये क्या, ये क्या चीज़ है? घर के काम भी होते हैं। ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है। वाह, काम आ सकता है स्विंग वगैरह के लिए या सेंटर टेबलेट ड्राई फ्रूट वगैरह के लिए। अमेजिंग भाई, ये देखें कितनी खूबसूरत बात। किसी को तोहफा वगैरह देना उसके लिए कितनी अच्छी है। कितने क्या कीमतें रखी हैं आपने इसकी? मुख्तलिफ किस्म की हैं, जैसे 1800 है, 1800 रुपए, 1800, ये 800 रुपए का है, ये 600 तक का है और ये 300 है, ये 250 का है, ये 200 का है। सुना, आपका सामान अगर चोरी हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? सबर कर लेती है, चले वो ट्रेन, वो ट्रेन है, वो ट्रेन है, चोरी हुई है अच्छी तरह, चोरी हुआ नहीं अभी तक, नहीं हुआ चोरी, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं चोरी अब कर भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे, मतलब देखिए ट्राई कर रहे हैं इंसान, देखिए कभी कभी इंसान भूल भी जाता है, कह रहे मैं भूल गया था ये। अच्छा मुझे बताएं ये क्या चीज़ बनाई आपने सर्वर में? ये डोर का ये डिश है, ये तकरीबन ड्राई फ्रूट रख लें या स्वीट्स वगैरह, मतलब सेंटर टेबल पे रखने के लिए। इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें सूखे हुए फूल भी रखते हैं कि एक घर वगैरह में एकता रहे। बिल्कुल, ये एक प्लेटर है डेकोरेशन पीस के लिए भी, और अगर ये सेंटर टेबल पे रख लें इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह रख लें, स्वीट्स या सुपारी वगैरह, और वो जो रस्में होती हैं उनके लिए भी बड़ा ये काम आ सकता है। वो मैं जब तक वो फैंसी वेयर का काम कर रही थी तो उसमें मैंने ट्रे बनाई थी, उसमें अच्छा शीशा होता है वो। जी 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 जी, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, और ये अभी आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हैं या कहीं पे आउटलेट भी आपका? आउटलेट मतलब घर पे से ही है, ऑर्डर वगैरह आते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मैं जहाँ जहाँ एग्जीबिशंस वगैरह हो रही थी वहाँ करती हूँ, कॉन्टेक्ट के जरिए होता है। अच्छा। और मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह में भी मैंने चीज़ें रखवाई थी। अच्छा, जबरदस्त, और रिस्पॉन्स अच्छा आता है इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह। कदर करने वाले बहुत होते हैं, अगर ले ना लें लेकिन आपको कदर करते हैं और आपको दुआएं बहुत देते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, और हमारा रिवार्ड ही वही होता है जो कुछ लोगों ने इतनी जो अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और जो मुझे शुरू से जान रहे हैं कि वो मेरे लिए एक हिम्मत अफजाई और हौसला होता है समझे कि जी आपकी अनथक मेहनत और समर मिल गया, तो ये उस रिवार्ड से ये ज़्यादा रिवार्ड जो है वो बहुत। और अगर कोई आपकी सामान की तारीफ करे तो आप उसको फ्री दे देती हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। आपको अवार्ड दे दे दूसरे को कुछ ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए डिपेंड करता है वो किस तरह से कर रहा है, मतलब अगर फोन पे कर रहा है या वैसी बातचीत है तो जाहिर उससे नहीं जा सकते, लेकिन है तो फिर जा सकता है। अच्छा, ये अभी ये सारी जो चीज़ें आप बना रही हैं खुद बना रही हैं, टीम है आपकी? नहीं, मेरी टीम नहीं है, मैं खुद सारा मेरा काम है, और माशाल्लाह मेरी बेटियाँ हैं, वैसे तो मेरे साथ चीज़ें नहीं बनवाती, उनकी हेल्प ये होती है कि वो मेरे घर के कुछ काम संभाल लेती। अच्छा, वो घर के काम कर लेते हैं, आप ये संभाल लेती, तो मेरी हेल्प यूँ हो जाती है। अच्छा, और सपोर्ट इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों ने बहुत सपोर्ट करा है, जहाँ मेरी एग्जीबिशन वगैरह है वहाँ साथ देती है, जैसे अभी भी यहाँ मेरे साथ आएंगे मेरी हेल्प करने, तो जगह जगह जहाँ है वो मेरी बेटियों। अच्छा अतिया, मुझे बात बताओ, जिस तरह अभी आपने ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बनाई हुई है, अगर मुझको ये ब्लैक लेस में चाहिए हो या येलो फ्लावर्स के साथ चाहिए हो? बिल्कुल, जैसा ऑर्डर, ये तो ये मेरी अपनी मर्जी का है, अब ये चीज़ें सामने है, अब कस्टमर ने अपनी मर्जी से हिसाब से बनवा तो वो चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जूट से, जूट, इसमें तो और कलर्स नहीं आते ना? इसमें ऐसे डाई आते हैं कलर्स, लेकिन वैसे किसी कलर पे बनाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर किसी को दूसरे रंग में बनवाना हो बन जाए तो फिर आप बना सकते हैं। और ये कितनी देर लगेगी, कितने दिन लगते हैं इसको? इसमें टाइम लगता है, डेढ़ दिन लगा था, जैसे कि मेरे मुख्तलिफ काम भी मेरे घर के चल रहे होते हैं ना, तो टाइम लगा था इसमें तकरीबन डेढ़। सुने, बहुत ही खूबसूरत और इतनी मेहनत का काम है भाई, हैट्स ऑफ टू यू, तालियां होनी चाहिए अतिया के लिए, ब्यूटीफुल वर्क अतिया। अच्छा, बहुत पहले बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें बहुत बनाया करती थी, अब मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, अब मैंने काफ़ी मुख्तसर कर लिया है, सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स, टिश्यू बॉक्स और होल्डर्स वगैरह बनाती हूँ। लेकिन ये भी इतने चीज वगैरह हो गई, मतलब पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें थी, और ये किचन शौक था तो बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा होता था, सोते सोते भी चल रहा होता, नमाज पढ़ना उसमें ताला था कि यार ये बना लेते हैं, ये बना लो, और जो कोई काम फंसा हुआ था नमाज पढ़ते हुए जरूर आता है। सुनिए, और ये किचन की क्या प्राइस है, और ये ज्वेलरी आपने कब स्टार्ट की? ये भी इसके साथ तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये शुरू करी थी, और डो वर्क का मैंने 2015 में शुरू करा था। नॉरिन वो भी अच्छा लग रहा है, वो दूसरे हाथ में पहन ले ये जी।
छोटा नहीं है, ऐसे खुले हैं। अच्छा, और इनकी क्या प्राइस है ये ज्वेलरी के पीसेस की? मुख्तलिफ है, ये जो मेरे हाथ में है ये 350 का है और ये दूसरा इनके से मेरे 250 का है। अच्छा। मुख्तलिफ है, 150 से शुरू है। और ये भी आप खुद बना रही हैं? जी, ये भी मैं खुद बना रही हूँ। अतिया, इतना टाइम कहाँ से मिलता है आपको? माशाल्लाह, मेरा दिमाग और शौक है। क्या बात है, पैशन है। और ये बात देखिए, आज प्रूव होती है, कितनी अच्छी बात है। और ये बात आज प्रूव होती है कि शौक का कोई मोल ही नहीं होता। एग्जैक्टली, किसी चीज का। और जितना बिजी रहेंगे उतना शैतान से भी दूर रहेंगे। हाँ, लेकिन आप इतनी करीब खड़ी हैं आज इनके, ये तो बात आप खुद ही इसको अच्छे भी होते हैं कुछ असर। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन रोजात आपकी मुलाकात ब्रेक के बाद कराएंगे और इन शानदार पाकिस्तानी खवातीन से। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन रोजात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और हम कहीं पे भी उसे थोड़ी देर के बाद यहाँ खुशबू खींच लाती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम सब यहाँ आके खड़े जाते हैं। टीम को भगाना पड़ता है मक्खियों की तरह के, जाओ अभी शो शुरू होने वाले, जाओ यहाँ से जाओ। और उसके बाद फिर सब दोबारा यहाँ खड़े हो जाते हैं। अरे लेकिन आपने बहुत मजे का खाना बनाया नुसरत, वेरी नाइस। अब आज माहम से भी मिल रहे, माहम भी हमारे शो पे आई हुई, माहम के लिए तालियां। सालिक माहम, कैसी हैं आप? तैयार है माहम, आपको एक मैजिक दिखाऊं मैं? आप यहाँ देखें, फिर आप जब दोबारा यहाँ देखेंगे ना तो आधी चीज तो गायब होगी। और ये हमारे शो में मुझे ही आता है, हमारे शो में ही जादू होता है। माम कब से कर रही हैं आप ये काम? ये मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने से कर रही हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और शुरू करने की क्या वजह थी? आर्ट्स मुझे बहुत पसंद है इसलिए। अच्छा, आर्ट्स पसंद है? आर्ट्स बहुत पसंद है। तो आपने अभी अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग ली, पढ़ाई किस में की? मतलब मैं आर्ट्स मुझे हमेशा से पसंद है, मैंने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसके अंदर दोबारा आई हूँ आर्ट्स, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल आर्ट्स के लिए सपोर्ट नहीं करती। नहीं करती भाई, क्यों फैमिली सपोर्ट नहीं करती आर्ट्स के लिए? ये कितनी गलत बात है, इतनी टैलेंटेड बच्ची है, ये फजूल काम है। सीरियस डायरेक्टली मुझे ये कहते, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए काम है जो पीछे से फैमिली बैकग्राउंड हो उनका, आर्ट्स वगैरह वो करते हो, पेंटिंग्स वगैरह। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं इसकी, अगर ये नहीं करो तो फिर क्या करो? जॉब करो, जॉब मास्टर्स करो इंग्लिश में। मैंने कहा मैं कर लूंगी मास्टर्स, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे मेरा शौक मुझे करने दे। देखिए मैं एक बड़े पदे की बात आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए इस ज़मीन पे भेजा होता है। वो मकसद अगर इंसान खुद ढूंढ लेता है पहले ही, और वो मकसद अगर आपके कल्चर को, माशरे को, किसी भी तरह आपके मजहब को अपोज नहीं कर रहा, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर उसके अंदर किसी भी किस्म की कबाहत नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है, आपको पता है ये जो काम करते हैं रेजन आर्ट का, इसमें इतनी मेहनत, इतना दिमाग, इतनी लगन दरकार होती है। आपको तो भावे तालियां बजानी चाहिए भाई बाहर के लिए। आपको पता है बहुत बड़ी बात है कि ये काम कर रही हैं, और हमें नौरीन के लिए भी तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के हाथों में नहीं रहती। नौरीन इतना माशाल्लाह काम करती हैं, देखें हर स्टॉल से, हर स्टॉल पे देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे अच्छे तो लग रहे, स्मार्ट तो लग रहे। हाँ, दिखाएं जरा बाल तो पीछे कर ले नौरीन, आपने बालों में छुपाए, वेरी नाइस भाई। ये भी आपने खुद बनाए रिंग्स? मैंने खुद बनाए। और आपको पता है अगर फैमिली की सपोर्ट होती है तो आपके जो बच्चे हैं वो इस मुल्क के, इस दुनिया के स्टार्स बनते हैं। आर्ट जो होता है, आपको पता है आर्ट कोई स्किल नहीं होता, आर्ट एक इतनी ज़बरदस्त खुदादाद सलाहियत होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलती है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको ये बात और मुस्तनद तौर पर बता सकते हैं कि ये एक अल्लाह ताला की देन होती है। आपको ये एक्सप्रेशन है पूरा, ये अल्लाह ताला की, आपकी बेटी, आपकी बेटी भी अल्लाह ताला की एक देन है, एक क्रिएशन है। इतना ज़हीन दिमाग किसी के पास हो जो अपने फारिग वक्त में ये खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको प्लीज़ आप इस प्यारी सी बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए, इतना बेहतरीन काम करिए। अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हैं वहाँ? जी, मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हूँ। और प्राइस रेंज वगैरह क्या रखी है? प्राइस रेंज वगैरह ये वैनिटी ट्रे है, तो इसकी 3000 से स्टार्ट है, और अगर इसका साइज बड़ा होता जाएगा तो उसके हिसाब से प्राइस पैसे बढ़ते जाएंगे। ये टू ट्राई स्टैंड है, आप कपकेक स्टैंड इसको कहते हैं? टू ट्राई स्टैंड जो जी कपकेक स्टैंड है ये, आप इसकी प्राइस 3000 है। टेबल 3000 तो बड़ा रीजनेबली प्राइस है।
और 3 प्रायर स्टैंड है वो 4000 का पड़ेगा। और ये टेबल? ये टेबल 25000 की। 25000 की टेबल है। इसको कितनी देर लगी होगी बनाने में? मुझे तकरीबन 3 दिन लगे इसको बनाने में। 3 दिन लगे हैं। बहुत प्लीज टेबल का क्लोजअप बनाएं भाई। क्योंकि इसकी लेयरिंग के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए था, जो हमारे एपॉक्सी आता है वो कभी खत्म हो जाता है, फिर उसको ऑर्डर करना पड़ता है, तो वो आता है तो फिर मैं करती हूँ। और ये मेरी वॉल हैंग है 35000 की। और ये 35000 की वॉल हैंग है, और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? अभी या रब्बी को मातु का जुगा जुबान सुभान अल्लाह ब्यूटीफुल। ये इयररिंग्स की प्राइस रेंज 2500 है, ये 2200 है, और ये 500 है। बुकमार्क स्टार्टिंग फॉर 350 है, पोस्टर्स आर फॉर 4000। और ये वहां पर आपने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग कहां से ली? मैंने YouTube से सीखा था। सब YouTube से? माय गॉड, एक्सीलेंट। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, कहीं से सीखे बगैर, इस एज में आप सोचें, बच्चों पे वैसे ही इतना प्रेशर होता है कि अभी डिग्री लेनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, काम करना है, उसके बाद अपना दिल भी लगाना, और आप भी अपनी पॉकेट मनी से चला रही होती हैं। नहीं, मैंने मामा से लिए, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, तो मैंने उनसे लिया था। मैंने कहा मुझे दे दें, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगी। और आप रिटर्न कर रही हैं? जी, अब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, बहुत ही जबरदस्त बात है। और माहम के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, खवातीन हज़रात इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनकी फैमिली जिस तरह कह रही है कि इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हम पूरा मुल्क इनको दिखा सकता है कि वो कितना सपोर्टिव है माहम की तरफ। एंड हमें इस तरह के बच्चों को, इस तरह के जहीन बच्चों को हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे चल के ये पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट बने और बड़े बड़े अपने करियर्स बनाएं। माहम के लिए भाई एक बार और तालियां। और अब हम चलते हैं आयशा की तरफ, माहम के इयररिंग्स के साथ, सॉरी शेफ नौरीन के साथ। आयशा कब अपने काम शुरू किया? ब्यूटीफुल पैकिंग, प्लीज ये पैकेजिंग देखें यार, क्यूट बॉक्सेस है, ये देखें प्लीज, ब्यूटीफुल। ये मैं 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, कोविड जब आया है तो उससे एक महीने पहले, विच वॉज लकी बिकॉज मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद मतलब फैमिली और फ्रेंड सबको टेस्ट वेस्ट करवा दिया। उसके बाद हमने अक्टूबर 2019 में इसको लेके गए कि अच्छा भाई ये दिस अवेलेबल नाउ। और कहाँ का डिस्प्ले कर रही हैं आप? ये मेरे तो सोशल मीडिया पर सारे लिंक्स हैं, इसके अलावा मैं डिफरेंट क्राफ्ट शोज में जाती हूँ। अच्छा, मेरी वेबसाइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरे वाह, जबरदस्त। और फैमिली वगैरह का क्या रिस्पांस रहा आपके बिजनेस को लेके? वो उनको सोप बार्स अच्छे लगते हैं यूज करने के हिसाब से, और उसके बाद वो कहते हैं कि दे दो बस। बस दे दो। ये फैमिली का बहुत बड़ा वैसे इश्यू होता है। जी जी, ये फैमिली का प्रॉब्लम होता है ना, बिल्कुल। इनके आपके साथ भी होता है ना कि नौरीन यार प्लीज कुछ भिजवा दो, दावत है। दावत अगर मेरे घर में भी है ना, तो अपनी फरमाइश होती है कि ये बनेगा तो हम खाएंगे, जब आना नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो उन्हीं की फरमाइशों पे चलते हैं हम लोग। आपको मैं अगर टीम को और आप लोगों को याद हो दावत की बात करिए, मीठी ईद पे इन्होंने हमसे एक वादा किया था। मैं पहले सोच रही थी ना बोलूं, मीठी ईद पे एक वादा किया था नौरीन ने कि मेरे घर में दावत होगी तो हम पूरी टीम को इनवाइट करेंगे। उसके बाद मीठी ईद गुजर गई, बकरीद गुजर गई, आप सोचिए ईद मिलाद उन नबी भी गुजर गया, सब सारे दिन अभी और भी कुछ आ रहा है, अभी और भी गुजरेगा। वेरी गुड, आज का दिन भी गुजर जाएगा नौरीन, चले कोई बात नहीं। सुने, कितने कीमतें रखी हुई आपने? देखें, इसमें मेरे पास डिफरेंट साइजेस हैं, जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो ये हार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है ये 300 rupees ईच है, और ये 2 months तक चल जाता है। और सुनिए, ऑर्गेनिक है मैंगो पैशन? जी, ये ऑर्गेनिक है। जैसे कि इसको मैंगो पैशन इसका नाम है, इसको मैंने मैंगो प्यूरे से बनाया है, ठीक है। और व्हेन आई से ऑर्गेनिक, ये कोल्ड प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि ये ऑयल और लाई से बनाया है इसको, कोई मेरा सोप बेस नहीं होता है, ठीक है। ऑयल और सल्फेट फ्री है? जी, ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है, क्योंकि देखें ऑयल लाए और उसके बाद हमारे सारे एडिटिव्स होते हैं, यानी कि इस मैंगो पैशन के अंदर हमने मैंगो प्यूरे डाला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नो एसेंशियल ऑयल। एंड यस, इसके अंदर ऑर्गेनिक हनी है, और जो घर में बने हुए चावल पीस कर डाले हैं, ये हनी एंड राइस है, ये ड्राई स्किन के लिए। आयशा, कोई टीम रखी है आपने? खुद करती हैं सब? ये मैं खुद करती हूँ, सब कुछ खुद कर रही होती है। एक बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा काम है करने का, वैसे
और ऑर्डर्स वगैरह जब आप ले रही होती हैं तो आप जो या ऑर्डर्स आप लेती हैं या आप अपने बच्चे कहती हैं जो पेज पे लगा उसी में से? मेरे ये तो सारे रेडी सोप बार्स हैं ना जो कि अभी आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं, ये मैं फ़ौरन से डिलीवर भी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स भी लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी मार्च में एक सोप फेवर्स एक पूरी वेडिंग के लिए कैनेडा भेजे थे, 250 सोप फेवर्स यानी कि ऐसे 250 बार्स इनको पैक करके जो है वो शिप करा था कैनेडा के लिए। वाह भाई वेरी नाइस। और क्या 2019 से कर रही हैं आप? जी जी मैं 2019 से कर रही हूं। बिजनेस शुरू करने की वजह क्या थी आशा? क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और हम ये जबरदस्त खवातीन अपने शो पे इसीलिए बुलाते हैं कि अगर किसी के दिल में या जहन में कोई आइडिया हो और आपको वो करेज वो हिम्मत वो पुश नहीं मिल रहा हो कि आगे लेके उसने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सके तो हम आपको ये खूबसूरत कहानियाँ ये स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरीज लोगों की सुनवाते हैं। देखिए आपको जो भी जॉब करनी चाहिए ना वो करनी चाहिए जिससे आपको मोहब्बत हो जाए और मेरा मसला ये हुआ आई फेल इन लव विद सोप मेकिंग। ठीक है कि मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी मैंने सोप बनाया तो उसके जो रिजल्ट थे वो इतने मज़ेदार थे अमेजिंग किस्म के थे, मैंने कहा इसको और आगे लेके जाना चाहिए और फिर जाहिर है फैमिली ने उसको पसंद किया तो और मेरे तो नेबर ने मुझे कहा कि अच्छा आपने राइस के सोप बना के देना है मुझे, तो इस तरह से मुझे पुश मिला और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है अब इसको आगे लेके चलते हैं। एक दिन में कितने बना लेती हैं आप? देखिए ये होता है सोप बैटर होता है ठीक है और हमारे पास मोल्ड्स होते हैं हम उनके अंदर बैटर को पोर कर लेते हैं तो हमारे पास डिपेंड करता है हाउ मेनी मोल्ड इज देयर ठीक है आपके कितनी कैविटीज का मोल्ड है। मैंने एक एक दिन में 50 भी बनाए हैं। अच्छा ठीक है और जो मैं आपको बता रही हूँ 250 सोप पार्ट्स मैंने एक हफ्ते में बना के दिए। ओह माय गॉड जबरदस्त भाई आयशा के लिए जोरदार तालियों चाहिए। हमारी एक और बहुत ही अच्छी दोस्त है बहुत ही जबरदस्त सिंगर है लेकिन आज यहाँ किसी और मकसद से आई है हमारे साथ है हुमा अदनान। गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप? मैं ठीक आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक एक छोटा सा ब्रेक आगे ब्रेक भी ले लें जब आई हैं तो लीजिए। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दिस इज हुमा अदनान लाइव विद यू एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग स्टार विद अज़फर रहमान स्टे ट्यून्ड। के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी सालिकुम कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक। और आज आप किसी मकसद के तहत आई हैं? जी बिल्कुल वो भी बता दूं। जी अच्छा जी तो ऐसा है कि टुडे आई एम हियर टू अनाउंस द इवेंट हैपनिंग इन एक्सपो सिटी सॉरी हैबिट सिटी ऑन 4th ऑफ नवंबर व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एलिगेंट प्लानर। उसकी ओनर है इनम अरशद जो ऐसी लेडीज़ को आगे लाती हैं बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स और जो शॉर्ट मतलब छोटे बिजनेस करती हैं या कुछ करना चाहती हैं ऐसी औरतें उनको वो सामने लाती हैं उनकी एग्जीबिशंस करवाती हैं। इनफैक्ट यहाँ आप जिन सब लोगों को देख रहे हैं ये सारे लोग आपको हैबिट सिटी में दिखेंगे 4th of November को। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एंड आई विल ऑल्सो बी देयर सो कम एंड मीट मी। तुम भी होगी वहाँ पे? ऑफ कोर्स आई विल बी द होस्ट ऑफ द इवेंट। फिर तो शायद ना आए लोग। नहीं अगर आप हो नहीं तो आप होस्ट कर रही फिर तो जरूर बहुत सारे लोग आएंगे भाई क्यों नहीं। तो 4 नवंबर को हैबिट सिटी में ये शानदार एग्जीबिशन होने वाला है जहाँ ये सारी शानदार खवातीन अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद होंगी ये बिजनेसेस लेके और भाई होस्ट इतनी अच्छी है तो शो वहाँ का कितना अच्छा एग्जीबिशन होगा जबरदस्त। और अभी जिस तरह आयशा महम आपका नुसरत आपका और अति आपका बहुत बहुत शुक्रिया
थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी बस इवेंट के बारे में कहना चाह रही थी कि नाजरीन से जी कि हैबिट सिटी पे 4 नवंबर को एक इवेंट प्लान करा है स्मार्ट बिजनेस ग्रुप ने और एलिगेंट प्लानर ने, तो वहाँ आके ये हमारी लिटिल शॉप के साथ वहाँ और भी खवातीन हैं तो विज़िट करें उन बाहिम्मत और मेहनत कश खवातीनों को आके हौसला अफजाई करें और उनको सपोर्ट करें और भी एक्टिविटीज़ हैं और इन्जॉय करें जबरदस्त जरूर इंशाल्लाह ज़रूर। और पता है इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो लोगों का हौसला बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और अब जब भी ख़वातीन अपना बिज़नेस शुरू कर रही होती है, आपको पता है जिस तरह अभी हमारी छोटी बहन है माहम, इससे कहा कि कभी कभी फैमिली इतनी ज़्यादा आपके बिज़नेस को लेके एंथुजियास्टिक नहीं होती, इतनी ज़्यादा कहती भाई कुछ और कर लो, आर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है। ये जितनी भी चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं, चाहे वो गाड़ी हो वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, एग्जैक्टली हम लोग जो काम करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो आप म्यूज़िक सुनते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। आर्ट के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं बताएं? आर्ट कितना एक अहम अंग है आपकी लाइफ का। जिस तरह अभी हम आयशा के सोप्स देख रहे थे, आयशा ने जो सोप्स बनाए हुए हैं ब्यूटीफुल सोप्स, देखिए एक खाली बंदा सोप भी बना देता है लेकिन आर्ट की वजह से, नौरीन ज़रा दिखाइएगा कोई सोप, ये इतना खूबसूरत कार्विंग उसके ऊपर हुई हुई, आर्ट हर चीज़ को ब्यूटिफाई करता है, खूबसूरत करता है। और अगर किसी को जीने का मकसद मिल रहा है आर्ट के थ्रू, आप उससे वो मकसद नहीं छीन सकते। और ये बिजनेसेस हैं, आपको जो आप सोचिए आजकल हमारा मुल्क इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा वीक हो गया है, हम लोग पीछे बहुत जा रहे हैं, ये बिजनेसेस जितने आगे आएंगे उतने ज़्यादा मईशत को फ़ायदा होगा, इन लोगों की फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। कितने सारे लोग हैं, कितने स्टॉल्स हैं वैसे इन ऑल? स्टॉल्स एक्चुअली डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं, इनके अलावा फूड भी है, ब्राइडल से रिलेटेड है, और इवन मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट वो लोग जो देख रहे हैं, जो घरों में हैं, जो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आइए, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर मौका देंगे। इरम अर्शद जो है वो इसकी ओनर, और इरम अर्शद से कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है? उनकी फेसबुक पेज है इवेंट एलिगेंट प्लानर के नाम, एलिगेंट प्लानर के नाम से उनका फेसबुक पे पेज है। जी, स्मार्ट बिजनेस के नाम से उनका ग्रुप फेसबुक पर है, वहाँ पर भी वो लोगों को प्रमोट करती है, प्लस वो इस टाइप के इवेंट्स करती रहती हैं जहाँ पे टाइप की लेडीज को मौका मिले जो आगे जा सके, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहती हैं। एग्जैक्टली, और बहुत सारी इस तरह की खवातीन हैं जो कि अपने घरों से बिजनेस कर रही हैं, जिस तरह आज ये शानदार खवातीन यहाँ मौजूद हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को 4 साल हुए हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, ये सारे बिजनेसेस को अब वक्त है कि हम इनको कमर्शलाइज करें, दुनिया के सामने लेकर आए, ताकि आपको पता है इतने मज़े का इन्होंने खाना बनाया, माहम ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं, अतिया अतिया इतना अतिया, आप तो ऑयल्स का भी काम कर रही थी ना, हेयर ऑयल्स का ना, वो 3-4 साल हो गए और 9 साल हो गए, और इसको 9 साल हो गए, इसको 9 साल, आप सोचिए 9 साल से अतिया ये खूबसूरत काम कर रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक इस इन कामों का नहीं पता होगा, जिस तरह आयशा सोप्स बनाती हैं, ये सारे बिजनेसेस को, इस तरह की जो एग्जीबिशंस होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, और जब आप लोग इन एग्जीबिशंस में जाते हैं तो ऑफ कोर्स इनकी हौसला अफजाई होती है। पासेस हैं, टिकट्स हैं? नहीं नहीं, पासेस नहीं है, वहाँ पे आप जस्ट एंट्री कर सकते हैं। हाँ, जो लोग स्टॉल्स लगाना चाहते हैं तो वो उसके लिए उनको कॉन्टैक्ट करना, उनको पे करना पड़ता है। अच्छा, स्टॉल लगाने के लिए? बिल्कुल हाँ, बाकी विजिट तो जो चाहे कर ले। हाँ अच्छा, और उसके साथ साथ बताए फैमिलीज के लिए? बिल्कुल, फैमिलीज के लिए है और जो भी कोई आना चाहे, सबके लिए एग्जीबिशन इज ओपन फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स सबके लिए एग्जीबिशन ओपन है भाई। और 4 नवंबर को टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग्स आई थिंक 3 बजे से लेके 10 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक। अच्छा नुसरत, जब ये इस तरह के एग्जीबिशन होते होंगे तो आपके स्टॉल पे तो ये जो सहेलियाँ आपके ये दोस्त हैं वो तो चलते चलते हाँ नुसरत मैं अभी आ रही हूँ हाँ नुसरत और बताओ क्या हो रहा है? ऐसे कामों में तो ऐसा होता ही है, होता ही है, आप फिर कुछ ही कह सकती? नहीं, जाहिर सी बात है, कौन कह सकता है, इतना इतना आपको बनाना चाहिए कि अगर आपका कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप करवाएं उसे। और ये तो इंटरनेशनली भी एग्जैक्टली एक ये रूल है कि कोई टेस्ट करना चाहता है तो आप उसको, खाने से पहले तो टेस्ट जरूरी है, बनता है। नौरीन, आप कहीं जाती हो तो आप टेस्ट करती हैं लेने से? ऑफ कोर्स, हां बिल्कुल टेस्ट करती हूं। आपने सोप टेस्ट किया? आपने सोप टेस्ट किया? बताया सोप टेस्ट किया, सोप स्मेल जरूर किया। लेकिन ये इस तरह के एग्जीबिशन में मैंने इतनी दफा देखा है कि जो खाने का स्टॉल होता है ना, अगर किसी ने चाय का स्टॉल लगाया उसके पास सब खड़े जाते हैं, यार जरा 2 बना दो और वो बेचारा कर्टेसी में बना के चाय दिए जा रहा होता है लोगों को, दे है ना, और पेमेंट की कोई कहानी नहीं होती। लेकिन एग्जीबिशन में इस तरह नुसरत होता है काफी ज्यादा, इस तरह होता है माम, जब आपसे लोग ऑर्डर करके ये चीजें मंगा रहे होते हैं, आप प्री पेमेंट लेती हैं? जी, मैं 75% प्री पेमेंट्स लेती हूं, उसके बाद जब ऑर्डर डिस्पैच करने वाला होता है तो मैं इस पर 25% लेती हूं। अच्छा, डिस्पैच करने से पहले लेती हूं? अच्छा, टोटल डिलीवरी से
पहले सारी पेमेंट आपके पास, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जब उनके घर पे पहुंचे तो वो कैंसिल कर देते हैं। मैं कहा ये रिस्क मैं नहीं ले सकती क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि मैं इसलिए मैं एडवांस पेमेंट्स लेती हूँ। क्या पहले आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मंगा के कैंसिल किया? किया तो नहीं है, लेकिन बिफोर जो है ना, क्यों बंदा करे फिर रिस्क? काफी लोग ऐसा करते हैं, काफी लोग मेजॉरिटी करती है, मेजॉरिटी ऐसा करती है। रियली ऑर्डर करके फिर घर आते कहते हैं हमने नहीं ऑर्डर किया, कि हमने कैंसिल कर दिया था ऑलरेडी। बहुत दफा हुआ है ना। एक तो खातून इसी तरह से ऑनलाइन काम कर रही थी, उनके इतने इतने ढेर पैसेज गए और वापस आ गए, उन्हें इतने ढेर ढेर उन्हें पैकेट दिखाए कि सारे वापस आ गए, और कैश पहले उन्होंने एडवांस में नहीं लिया था और गए वापस आ गए। तो उन्होंने ये दिखाया कि इस तरह से ये तजुर्बा ताकि लोगों को ये मुशाहिदा हो सके और कानून को उस तरह की तरह एहतियात बरतें, और ये आधी पेमेंट ले लेनी चाहिए पहले कोई भी ऑर्डर लेने से पहले। और ये होता है रूल, कहीं भी आप दुकान पे शॉप पे जाए तो आधी पेमेंट ज़रूर रखता है, वरना फिर उसी तरह के ही तजर्बे होते हैं जो उन खातून के साथ। वो बहुत रो रही थी, इतना ढेर लगे हुए थे, इतने पैकेट होते हैं बेचारी के, तकलीफ सिर्फ महसूस हो, कोई पैसे नहीं है। और जो ड्राइवर हुई तो वापस आ गए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब बेचारी उसकी आपको सिटी भी गई थे और अधूरे सिटी भी थे, तो सब उसकी बेचारी डीसी भी लगी, तो सारे वापस आ गए। तो क्या उसकी, ये तो बहुत अफसोस की बात है, ऐसा होता है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को जिस तरह अभी माम भी ये कह रही थी कि ये चीज़ को आपको सेफ ग्राउंड पे प्ले करना बेहतर है। आप भी एडवांस पेमेंट लेती हैं? लाइफ में तो यही होता है कि हाफ में ले लेती हूँ, 50% ले। कुछ ऐसा होता है कि वाकई जो भरोसे लायक होते हैं तो नहीं, वैसे ज़्यादातर मैं भी आधी पेमेंट ले लेती हूँ। अगर मैं या नौरीन आपसे ऑर्डर करें तो आप क्या करें? तो आप क्या एडवांस पेमेंट लेंगी? मैं लूंगी बिल्कुल, रूल रूल है बिजनेस बिजनेस। ये बेहतरीन, ये जो बात की है ना सुनिए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। उसूल किसी के लिए नहीं बदलता। हाँ नहीं, रूल्स आर रूल्स। क्या मैंने अपने घर के फैमिली मेंबर्स भी ले रहा हूँ तो मैं एडवांस ले ही लूँ? या फिर आप शेफ नौरीन की तरह, शेफ नौरीन का ऑर्डर अगर किसी ने कैंसिल किया, एक दिन खुद ही बातों बातों में बता गई ऑर्डर कैंसिल किया, मैं तो ड्राइव करके पहुंच गई दो गार्ड्स के साथ। हाँ सही बात है, मैं पहुंच गई इस पर। हाँ मैंने कहा जब ऑर्डर नहीं देना आपको कैंसिल क्यों करते, जब ऑर्डर दिए तो पूरा लीजिए, वरना फिर आगे का सोच। नौरीन पर आप गई फिर हुआ क्या बताए? असल एकदम मेरे पास केटरिंग का ऑर्डर आया था, शेफ नौरीन प्लीज हमें ये बना दे, हमारी सारी यही स्नैक्स थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मुझे एडवांस नहीं, आप तो यार फ्रेंड है मेरी, दिस एंड, मैं कहा चले ठीक है। शी वॉज माई फ्रेंड, शी स्टिल माई फ्रेंड ऑफ कोर्स। अच्छा मैंने पूरा कर दिया, राइडर से मैंने भेज दिया, वो कह रही तो कैंसिल हो गया, राइडर वॉज कॉलिंग मी फ्रॉम हर होम के वो तो कैंसिल है। आई कॉल हर, मैंने कहा यू कैंसिल? नहीं नहीं नहीं। फिर उसने मेरा नंबर बंद कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया अपना फोन। वेरी गुड। फिर सुने, फिर व्हाट आई डिड, मैं फॉरन पहुंची उसके घर पे, क्योंकि मेरे से 5 मिनट की ड्राइव है, इतना कोई वो नहीं। मैं फॉरन पहुंची, मैंने डब्बे वहीं दिए, उनके हस्बैंड से पेमेंट लिया, आई केम बैक होम। या तो फिर आपके अंदर ये चीज हो जी, ये दो चीजें, तो मेहनत कश खवातीनों को एडमिशन करें और ऐसे ही करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मेहनत थी। नहीं जिंदगी में देखिए डिसिप्लिन रहा बहुत जरूरी है, और ये करना चाहिए। लेडीज को समझ के इस तरह से करते हैं, मर्दों को नहीं करते, लेडीज को समझते हैं इस तरह से बेवकूफ बना। हमारा टाइम लग रहा है, हम सब उनके लिए बना रहे हैं, टाइम लग रहा है। अच्छी आप होस्ट क्यों नहीं कर रही ना, मुझे बोलने दे रही है ना, नौरीन को बोलने। अतिया के लिए तालियां नहीं चाहिए, अतिया हमारी बहुत, हम लोग देखे शो पे उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनसे हमारी बड़ी मोहब्बत होती है, बेतकल्लुफी होती है। अतिया बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह है हमारी, और बहुत हमारी इनसे एक अच्छा एसोसिएशन है, इतनी पुरानी। और आप सबको भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आपका भी हुआ बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर प्लीज़ बता दीजिए एग्जीबिशन कब है और कहाँ है? एग्जीबिशन 4th of November को है, हैबिट सिटी में। टाइमिंग है शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आप सब लोग ज़रूर आइए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बेहतरीन। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, खवातीन आजाद मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अब आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त से, हमारे शो का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू आज हम फिर से उजागर करेंगे। बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त मेहमान भी हैं, और उसके साथ मेरी बहुत करीबी दोस्ती है, और उससे टू टॉप इट ऑल एक बहुत ही अच्छी एक्टर है। हमारे साथ हैं हिना जावेद।
और शेफ नौरीन कैसी आप शेफ नौरीन? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश लग रही हैं। आपको पता है मैं क्यों खुश लग रही हूँ? अच्छा हिना कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, मजे में? बिल्कुल, बहुत दिन बाद आज हम मिल रहे हैं। सीरियल के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, बिल्कुल, अच्छा हिना आजकल क्या क्या किन किन प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं, कहाँ क्या क्या चल रही है? यार एक आध प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल, फिर उसके साथ जो है कमर्शियल्स हैं वो चल रहे हैं, लॉन्च शूट्स वगैरह इस तरह से, बस मतलब चलता रहता है, पैरेलल हर चीज़ चल रही है। अच्छा हिना, लोग ये कहते हैं कि आजकल इंडस्ट्री के अंदर कदम जमाना बहुत मुश्किल है और न्यू कमर्स के लिए, मुझे तो लगता है कि आजकल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। एट टाइम्स लोगों के लिए है आसान, लेकिन आई कैन नॉट से दिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है और आई एम लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट, तो बट हाँ कुछ लोगों के लिए होता है वही इजी। लेकिन हिना अगर आप जब करियर आपने स्टार्ट किया तो क्या मुश्किल, अगर मुश्किलात की हम बात करें, क्योंकि देखिए एक ये बात माना जाता है जो कि मैं जिस बात को ना मानता हूँ ना मैं एंडोर्स करता हूँ, कहते हैं कि अगर आपका कलर फेयर हो तो बहुत काम आसानी से हो जाते हैं। अच्छा ये चीज़ मैं वाकई में सुनती हूँ एंड आई मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ इस बात से कि ऐसा होता नहीं है। वैसे नहीं होता ना, मतलब अगर ऐसा होता तो आई थिंक पता नहीं मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है, इसका मतलब आई एम द वो एक्सेप्शनल केस है मेरा। बट खैर एनी वेज बात सर ये कि आई डोंट नो, एवरी थिंग इज़ अबाउट पीआर आई थिंक, और उससे लोग बाकी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि पीआर आपके टैलेंट से ऊपर है, कि पीआर का अच्छा पीआर होना ज़्यादा टैलेंट होने के मुकाबले में ज़्यादा अहम है? आई थिंक लेकिन मैं क्या बोलूँ इस बारे में, बट यस एट टाइम्स मैंने ये देखा है जो मैंने महसूस भी किया है बहुत दफ़ा, कि जहाँ पे जैसे लोग जिनको जानते हैं वो बहुत जल्दी डायरेक्ट हो जाते हैं, जल्दी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है बनिस्बत उन लोगों के जिनकी कोई मतलब जानकारी होती है थोड़ी या सी। वो मतलब वो आहिस्ता 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 उनकी एक फिर जर्नी है पूरी, अदरवाइज जो जैसे कहते हैं ना कि जिनके स्ट्रगल नहीं है और वो फौरन आ जाते हैं, तो वो भी जाहिर टैलेंटेड होते हैं बट आई थिंक लक की बात भी। अच्छा है ना, आप एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इतनी अच्छा आप माशाल्लाह काम करती हैं, और अभी आपकी अगर एक आपके काम का सारा लाइनअप देखें जो जो आपने आज तक का काम किया हुआ है वो बेहतरीन, आपने बड़े चूज़ कर कर के मखसूस ड्रामे किए, आप हर ड्रामे में कभी नज़र नहीं आती कि सब में नज़र आ रही हो, इसकी कोई ख़ास वजह है? या कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेस करने चाहिए ताकि आप ज़्यादा पैसे बनाएं? हाँ नहीं ये भी सही है, बट वही बात है कि कैरेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ जैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो बड़े हैं तो उनमें फिर आप रोल नहीं देखते, आप कहते हैं नहीं भाई वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ जो है मैं कहती हूँ कि फिर मैं फ़ौरन वो चीज़ कर लेती हूँ रिगार्डलेस के वो उस कैरेक्टर की जो है वो लेंथ कितनी हाँ कितना ज़्यादा है नहीं है, तो ये चीज़ है वो चीज़ आपको फ़ायदा भी करती है। और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट होता है कि डायरेक्टर और आपका रोल दो चीज़ें मैं देखती हूँ। वैसे है ना कि आजकल अगर आप टेलीविजन अगर आप खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस प्लेज आ रहे होते हैं, लोग मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रोना धोना हैपनिंग, आपको ज़ाती तौर पे एज ए व्यूअर रोने धोने के प्लेज अच्छे लगते हैं या थोड़ा लाइट मूड हैप्पी गो लकी जो सीरियल होते हैं? नहीं मुझे लाइट मूड अच्छे लगते हैं और इस तरह के हों कि जिसके अंदर आपको एक ऑब्वियसली मॉरल ज़रूर होना चाहिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी के एक मोटिवेटिंग और स्ट्रॉन्ग एक आपको मैसेज मिले तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में रोना 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 पता है मोनोटनी हो जाती है, बोर हो जाते हैं, दूसरा हमारे भी ज़ेहनों पे एक अजीब सा एक्टिंग कर करके इस तरह की ना बोर भी हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं ये ऑडियंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि देखिए टेलीविजन एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, हम उनको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, अगर हम उनको हंसा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी फिर खुशियाँ कहीं ना कहीं से आ जाती हैं? वो है और ऐसे बन भी रहे हैं, अब चेंजेस आ रही हैं, आप देखिए जैसे कि रमज़ान प्लेस जो बनते हैं हमारे पास तो वो चीज़ डिफरेंट हो रही है, लेकिन जो रमज़ान प्लेस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा दोबारा यूट्यूब पे व्यू किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे तो खैर ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल आपने अपना चैनल बनाया यूट्यूब का या कोई इरादा है आगे बताने का? इरादा है बट आई होप कि वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो, मैं सोचती बहुत हूँ लेकिन बस वो करने का मुझे डर लगता है, मुझे बस ये होता है कि पता नहीं कैसा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी चैनल का हेड बना दिया जाए
तो आप किस किस्म का कंटेंट प्रमोट करेंगे? आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान में टेलीविजन पे क्या दिखाना चाहिए? नॉट जस्ट ड्रामास, किस तरह के शोज आने चाहिए, किस तरह के कंटेंट क्या दिखाना चाहिए? कंटेंट शुड बी, मतलब वो ही है मैसेज जिसमें अच्छा मिले, लाइट हार्टेड हो, बहुत इंटेंस उसको ना करें कि मतलब वो एक, क्योंकि एक चीज़ है ना कि आप टीवी देखते हैं बिल्कुल एक लाइट मूड के लिए कि जाहिर, हाँ, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज़ वेरी हार्ड और आजकल तो टफ होती चली जा रही है. तो आप टीवी पे कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे कि आपका मूड लाइट हो या आप ज़रा अच्छा फील करें. अब आप टीवी पे भी वही रोना धोना और जो है वो एक किसी की स्ट्रगल देख रहे हो तो वो चीज़ आपको बोर कर देती है, बोर करती है और मुझे तो मज़ी डिप्रेस कर देती है. लेकिन प्रॉब्लम इधर यही आती ना कि पीपल वांट टू सी दैट और वो चीज़ फिर हमारे पास वैसी बन रही है. हमारे पास सब लोग यही शिकायत करते हैं कि भाई लोग जिसकी जो है वो रेटिंग ना लाएं ऐसे ड्रामों की, वो नहीं देखना चाहें तो वो नहीं बनेंगे. अब अगर जिस चीज़ की वो डिमांड है, डिमांड में सप्लाई वाली बात है ना, डिमांड है तो सप्लाई भी वही हो रहा है. अच्छा है ना, आपको मैं चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आप एक अच्छी वेल स्पोकन पढ़ी लिखी एक जाज़िब नज़र खातून है, कभी होस्टिंग के बारे में आपने नहीं सोचा कि मैं कुछ होस्ट करूँ? सोचा है, सिर्फ ये बताए सोचा या नहीं सोचा, हाँ या ना? मुझे कहते हैं, मुझे मेरे घर वाले भी कहते हैं, सोचा या नहीं सोचा. अच्छा, सोचा या नहीं सोचा, मे बी. चले फिर ब्रेक ले जल्दी से. ओ माय गॉड, वो रहा आपका कैमरा और जल्दी से ब्रेक ले, बिल्कुल स्पॉटलाइट में डाल दिया. ऑफ कोर्स, टेक अ ब्रेक. ओके, आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग शो जबरदस्त असफर के साथ एंड अभी बहुत सारी मजे की बातें होने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी राइट बैक. रात आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त एक्टर हिना जावेद. इतना अच्छा ब्रेक लिया है ना, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है ना वैसे, जो कि ऑफ कोर्स आप खूबसूरत हैं, सिंगल हैं, तो लाइनें तो लोग बहुत पढ़ते होंगे. वो देखिए एक लाइन पीछे से भी आई है, खबरदार खबरदार, वो भी दोस्त है ऐसे मत करें जी. नहीं, लाइन ऐसे होता है बट ऑब्वियसली वन टेंड्स टू इग्नोर दैट और उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते. वो बस इसी चीज़ पे ही चल रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं है. नहीं है ना, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग DMs में स्लाइड इन करते हैं कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, दोस्ती कर ले. और आपको पता है जब आप एक्टर होते हैं तो फैनशिप तो डबल ट्रिपल हो जाती है आपकी. हाँ, किस तरह डील करती है इस तरह की, अगर कोई इस तरह कभी कोई फैन आपको मिल जाए कि डिनर करने गई भी हो या कहीं को ऐसे ही आ जाए कि हिना मैं बड़ा फैन हूँ आपका, आपको फोन नंबर मिल सकता है, फिर आप क्या करती हैं? नहीं, ऑब्वियसली आई विल रिफ्यूज़, बिल्कुल आउटराइट रिफ्यूज़ करूँगी. और हाँ, मेरे पास अगर फैंस जैसे आते हैं और आते भी हैं बट दे आर वेरी डिसेंट, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुझे किसी ऐसे इनडिसेंट जो है वो फैंस. लेकिन मुझे एक बट नौरीन आप भी इस बात बताइएगा, आपके भी कितने माशाल्लाह फैंस हैं, अगर कोई आपको आगे कह रहा है कि कोई अच्छा कोई शख्स बहुत ही तमीज़ के दायरे में अगर आपको ये कह रहा है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ एंड आई रियली लाइक यू, तो लोग बुरा क्यों मान जाते हैं? अब वो कहने का तरीका ऐसा होता है, वो तरीका क्या हो, नज़र नीचे रुमाल रख के मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, वो क्या तरीका? आप इनको बहुत पसंद करते हो और आप एक लड़का है, अब आप इन्हें कैसे कहेंगे कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ? नहीं नहीं, जैसे एक बात है कि नहीं आपका काम हमें बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे पता है हमेशा रहना लड़कियां कहती है भाई यार वो बड़ा अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है. अभी आप लोग दोनों कह रही है कि नहीं आपका काम अच्छा है, आपका इखलाक अच्छा है, जो जो पते की बात है वो कर नहीं रहा. अच्छा देखें, एक दफ़ा दो तीन दफ़ा बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे हम कहीं भी गए हैं देखिए रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, शादियों में, तो ऑफकोर्स हम अननोन लोगों से मिलते हैं,
आपको ही आता है, एक्सक्यूज मी नाइस मीटिंग यू शेफ नौरी. मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं कहा बिल्कुल ठीक, एक पिक ले लें आपके साथ. मैंने कहा मैं जी आप ले लें सेल्फी. फिर एकदम जाते वक्त आई रियली लाइक यू एंड आई रियली डू लव यू. ओ वाह, एक शुरू में उन्होंने जो अपना वो दिखाया इम्प्रेशन वो डिफरेंट था. हाँ. जाते हुए उन्होंने डिफरेंट, तो मैं आई वाज लाइक दिस शॉक्ड. हाँ एग्जैक्टली. फिर आपने क्या कहा आगे से? मैंने कहा व्हाटएवर व्हाटएवर. लेकिन हिना आप कभी, अच्छा हिना देखिए इंसान है वो डिफरेंट इमोशन से गुजर रहा होता है. कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि आपको लगता हो कि यार मैं उस एज में या उस टाइम में किसी के साथ बहुत रूड हो गई थी? अच्छा अभी तक आई थिंक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है. आई एम वेरी, और मुझे जिस तरह के लोग आके मिलते हैं फैंस वगैरह, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ बिकॉज दे आर द पीपल हु अप्रिशिएट माय वर्क. उन्हीं के लिए तो आप काम कर रहे हैं भाई. वो देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तभी आप ग्रो करते हैं अपने काम में, आगे बढ़ते हैं. तो हाँ मैं हमेशा बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छे ही फैंस आए. कोई ऐसा नहीं आया कि जिसको मैं कहूँ कि नहीं भाई अब मुझे इसके लिए ज़रा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है या मुझे कुछ बोलना चाहिए. अच्छा कितने लोगों को एक रेगुलरली, एक रेगुलरिटी में मैं पूछ रहा हूँ कि रोज़मर्रा के तौर पर आप कितने लोगों को ब्लॉक करती होंगी इंस्टा से? मैं ब्लॉक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे, ब्लॉक मैं करती हूँ मतलब महीने की कोई 10 लोग तो ब्लॉक होते ही ब्लॉक होते हैं. ज्यादातर वो होते हैं जो कि बिलावजह के आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे तनकीद करने, और तनकीद एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यस आई एम ओपन टू इट. लेकिन आप बिलावजह के जो है फजूल में इसलिए बोल रहे हैं कि कोई सामने से आपको जवाब दे, मैं कहती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म मतलब मेरे पेज पे आके आप मुझे क्रिटिसाइज करें, वो भी बिलावजह के, तो फॉलो करते हुए. हाँ मैं कहा अपने नेगेटिविटी अपने पास ही रखें और जाएं आप खुश रहें. इतनी अच्छी बात है, कल मेंटल हेल्थ डे भी था और आपको जहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही हो आपको वो दरवाजा बंद करना है. ये हिम्मत आपने खुद करनी है, सिर्फ इस वजह से कि नहीं यार वो तो पुराने जानने वाले. नहीं, कोई भी जिस तरह खुदा न खासा किसी का अगर फिजिकली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपको किसी तरह गिर के चोट लग सकती है, इसी तरह इमोशनल डैमेज भी होता है. अगर आपको कोई इमोशनली डैमेज कर रहा है कोई भी रिश्ता, वो उसी तरह कि आपकी गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको अपने आप को उससे भी उसी तरह बचाना है. जब आप किसी एक्सीडेंट को, किसी किसी हादसे को बचाएंगे, आपको खुद अपने आपको सेव करना. मैं ये कहती हूँ कि फिजिकल पेन तो अलग चीज़ है, लेकिन इमोशनली जब आप डैमेज होते हैं, इमोशनल जो एक इम्पैक्ट पड़ता है आपको किसी की बात का, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा. इट्स इक्विवेलेंट टू फिजिकल पेन आई वुड से. अच्छा है ना सर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बेतहाशा माशाल्लाह आपके फैंस हैं, लोग आपको भी पसंद करते हैं, आपका काम भी पसंद करते हैं. बहुत लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या जिंदगी में कोई है? नहीं अभी तक तो जिंदगी में कोई नहीं, सिवाय बस काम पे फोकस है. हाँ. और बस यही चीज़ है कि इंशाल्लाह काम काम और सिर्फ काम काम काम. बहुत अच्छी बात है. लेकिन ना जब फ्री टाइम होता है, चूँकि एक्टर्स हैं बहुत काम कर रहे होते हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? या फ्री टाइम में आई चिल, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ. हाँ बस मेरे दूसरी जो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं कि कपड़े वगैरह. अच्छा हिना का मैं आपको चिल करने की ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ. कभी दोस्तों के ग्रुप के साथ या कहीं हिना को मैं फ़ोन करूँ, हम शूटिंग कर रहे थे अभी कि हिना चलो यार हम सब कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो पिक करते हैं सब साथ चलते हैं. हाँ हाँ चलो ठीक है. 5 मिनट 10 मिनट जब आप करीब पहुँच रहे होंगे हिना को पिक करने, हिना का फ़ोन आएगा यार वो लाइट चली गई है ना, तो मैं फिर कल मिलते हैं. और ये हिना को ही 5 दफ़ा. मैं क्या हिना यार कभी तो तुम हमारे साथ कहीं खाने पीने चलो. हाँ असफर चलेंगे, वो दरअसल वो ये बेलगा. ओके ठीक है. जब तो फिर हम सेट पे, हम लोगों ने सेट पे वैसे बड़ा अच्छा टाइम. हाँ सेट पे तो बड़ा मज़ा है ना, सेट पे हम लोग खाना पीना ये वो. हिना की एक अच्छी बात है कि सेट पे हिना की माशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी है. शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू हैव ऑन सेट, ऑलवेज स्माइलिंग, लाइट मूड और मजेदार अच्छे उसके अंदर. हिना कभी अगर मूड ऑफ हो, मूड अच्छा ना हो, क्योंकि इंसान है अलग अलग मूड स्विंग से गुजरता है, और उसी दिन और अच्छा वक्त हो जाता है खवातीन और एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हिना हमारे साथ है, परेशान मत हो, आ रहे हैं वापस.
हमारे साथ है हिना जावेद वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हिना, हिना मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रहा था कि कभी कभी इंसान का मूड अच्छा नहीं होता, मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसी चक्कर में रात भर भी बंदा जाग रहा हो, नींद पूरी ना हुई हो और सुबह 9 बजे का कॉल टाइम हो और फिर बंदा सेट पे भी चला जाए, वो दिन कैसे गुजरता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं देखती हूँ दूसरे आर्टिस्ट वगैरह को, दे लिसन टू म्यूजिक टू इन्हेंस देयर मूड और सब कुछ है, मुझसे ये भी नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मैं कहती हूँ खुद ही सही हो जाए तो बस अच्छा है ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता, बस ये काम, बस वो कहती हूँ कि नहीं बस काम करना है अपने आप को, बस उसको रिवाइव करना होता है। लेकिन है ना, मैंने कभी भी आपको सेट पे एक बुरे मूड में या एक डल मूड में नहीं देखा। आई हैव ऑलवेज सीन यू लाइवली, फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा किचन के अंदर आपका आना जाना रहता है सेट के ऊपर। लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। खाती नहीं, लेकिन खाती नहीं है, ये आएगी, इनका अपना होता है जो भी खाने का सिस्टम होता है, लेकिन देखना होता है कि कौन क्या खा रहा है। वो जाके डिशे लेना की बहुत आदत है, तुम क्या खा रहे हो, क्यों, इसमें सॉसेजेस हैं, सस्फर एग है, बॉइल्ड एग्स हैं, ठीक है, मेयोनेज है, क्रीम है, मस्टर्ड पेस्ट है, गार्लिक सॉस है, और एक ही मैंने एक सॉस बनाया था लाइक मेयो एंड गार्लिक एंड पेपरिका पाउडर का, तो एक ये जाएगा, इसके अंदर कैप्सिकम्स है, सैलेड लीव्स एंड ब्रेड है। एक्सेलेंट, और ये तो बड़ा झटपट बन जाएगा। झटपट, बिल्कुल क्विक रेसिपी है सर। हां प्लीज स्टार्ट करें। ओके जी, वैसे खाने के बारे में क्या थोड़े बहुत चूजी हैं? थोड़े बहुत, हां थोड़ी बहुत। क्या पसंद है खाने? खाने में डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या खाने का दिल चाहे। वैसे तो ज्यादा घर का खाना, अम्मी के हाथ का खाना। नहीं, मगर खाने में क्या? अच्छा, खाने में अम्मी क्या? के हाथ से तो बहुत कुछ आप खा सकते हैं और खाते आए हैं और खाते रहेंगे। मुझे, लेकिन आपको देसी फूड ज्यादा पसंद है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है ना, बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि मैं खा लेती हूँ सारा, बट बहुत सारी चीजें, बस ये मैं कह सकती हूँ कि बीफ और ये चीज मुझसे नहीं खाते। रेड मीट नहीं खाते? रेड मीट नहीं खाते। अच्छा, व्हाइट मीट होता है? हाँ, रेड मीट खाती है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कभी कभार खा लिया तो खा लिया, वरना ज्यादातर चिकन। अच्छा है ना, मैंने एक चीज और भी आपके बारे में नोटिस की, आपको ज्यादा सोशल मीडिया का क्रेज इतना नहीं है? नहीं। हाँ, थोड़ा कम ही है। हाँ, कम है। ना मैंने कभी देखा है कि हिना रील्स बना रही है अपनी, ना हर वक्त सेल्फी ले रही है, बहुत कम है, जबकि मैं ही कहता था कि हिना प्लीज पिक्चर्स खींच। इसकी क्या वजह है? और मैं आई एडमायर देम कि मतलब वाकई वो लोग किस तरह से अपने जो है अपडेट करते रहते हैं सब कुछ है। मेरे साथ ये है प्रॉब्लम, मुझसे नहीं होता, नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होता। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट कि वो चीज़ करूँ, बिकॉज इट इज़ यू कहते हैं ना, डिमांड है इस चीज़ की कि आपको करना चाहिए, एंड बींग एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो है मतलब एक अच्छा अपडेट करते रहें और लोगों को दिखाएं भी कि क्या कर रहे हैं आजकल। और अभी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ना जो आने वाले हैं, जिसके लिए लोग लुक फॉरवर्ड करें? यार अभी एक दो हैं पाइपलाइन में भी हैं, और वैसे अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी वो इजाजत है, ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी। हां, वो ये कहते हैं कि जब वो पूरे हो जाएं देन यू कैन टेल एवरीबॉडी, तो वो चीज है। बट लेकिन ये कि एक दो प्रोजेक्ट्स जो है अभी मैं कर रही हूं, तो और जब भी हिना से मिलो बहुत ही मजा आता है। कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते ऑडियंस से? हाँ नहीं, मुझे बहुत आज मजा आया असफर के साथ, एंड असफर इज अ डियर फ्रेंड। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है, तो ये जब भी कहेंगे मुझे आने के लिए मैं हमेशा आपके पक्का। बस अगला शो हिना मेरे साथ होस्ट करेगी, ये तुम अभी हिना वादा करके जाओ। नहीं, बस पक्का वादा, अगला हम साथ होस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये आप सब जो है मतलब इसके गवाही ने बोल दिया। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको वेलकम करेंगी शेफ नौरीन किचन में एक बार फिर। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। चलिए,
जी वेलकम बैक. अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सॉसेजेस लिए थे 1 कप, उनको मैंने 1 टीस्पून बटर में थोड़ा सा सॉटे किया था, उसे मैंने कैप्सिकम डाल दिया था. फिर मैंने बोल में मेयोनेज लिया 1 कप, उसे मस्टर्ड पेस्ट डाला, ठीक है, कैप्सिकम डाला, सॉसेजेस डाले, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला पिंच, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड करी, ठीक है, और इस तरह से हमने ये इसको मिक्स कर दिया. अच्छा ये जो मैंने पेपरिका पाउडर, चिली गार्लिक सॉस और मेयो एंड क्रीम का जो डिप बनाया था, मैं इसमें ये 2 टीस्पून इसमें भी ऐड करूँगी, ठीक है. इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे. ये बहुत डिफरेंट से सैंडविच बनते हैं, कोल्ड सैंडविचेस टी के साथ, कॉफ़ी के साथ, ये आप लोग शाम को खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट पे खाइए, यू विल लव इट. चलें जी ये हमारा हुआ, ये हम इस पर स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, और ये बहुत झटपट बनते हैं. इसमें बॉइल्ड एग्स हैं, 3 मैंने बॉईल करके रखे थे, इसमें एग्स गए हैं, इसको बिल्कुल आपने मैश कर लिया था, ठीक है. ये हुआ, हम यहाँ रखते जाएंगे बना के. चले जी इस तरह से हमने इसको यूं लगाया, ये हुआ, ठीक है, हमने इसको भी इस तरह से लगाया सॉसेजेस, और इसको मतलब बहुत मज़े के बनते हैं एग एंड सॉसेज सैंडविचेस. आप लोग पेपरोनीज भी ले सकते हैं, आप लोग हंटर बीफ भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ एडिंग सॉसेजेस, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मीट ले, कोल्ड सैंडविचेस बनते हैं, ठीक है. ये हुआ, इससे मैंने 4 अंडे भी लिए थे, मैं आपको रेसिपी भी बताती चलूँ. 4 अंडे थे इसमें बॉइल्ड, 1 कप सॉसेजेस थे, 4 से 5 को स्लाइस करके हल्का सा बटर में मैंने सॉटे कर लिया था. 4 अंडों को मैंने मैश किया था, उसमें कैप्सिकम डाला, सॉसेज डाले, क्रीम डाली, और आपका मेयोनेज डाला, और जो मैंने डिप बना के रखा था ये मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया, और हम इस तरह से अब टोस्ट पर हम लोग लगा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है. ये आप लोग शाम की चाय वाय के साथ आप लोग आराम से, कॉफ़ी के साथ आप लोग ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, व्हाटएवर. बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं ये. चलें जी ये हमारे हो गए रेडी, हम इसको थोड़ा सा कटिंग की तरफ आ जाते हैं. मिनी सैंडविचेस होते हैं ये, ठीक है. ये थोड़ा सा हमने प्रेस किया, चलें जी ये हमारा सैंडविच रखेंगे इधर. इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरह से मिनी सैंडविचेस हो जाएंगे, आप लोग यूँ रख सकते हैं. आप लोग को उम्मीद है ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बच्चों को स्कूल लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं. अगर आप लोगों का ये प्रोग्राम अगर फर्स्ट करें लाइट नहीं है, लोड शेयरिंग बहुत हो रही है, आप लोग डेली यूट्यूब पर हमारा ये प्रोग्राम अपलोड होता है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं. चलिए जी, अच्छा ये मेरा ये रेसिपी भी कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी. अब हम इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़.